जैन दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि एनटीपीसी में जो है ना इस बार सीट आपका बढ़ के निकल रहा है। पहले जो सीट था दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10,884 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाला था, लेकिन अभी क्या है कि वैकेंसी आपका 19,599 टोटल आपका वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर 12th लेवल पर कितना वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल पर कितना वैकेंसी है, साथ ही साथ आपका एज कब से काउंट करेगा। इस वीडियो में बहुत बड़ी हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अभी रेलवे में एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रहा है जो कि है रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती 2024, जिसपे आपका इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दो तरह का इस पे सीट रहेगा। सबसे पहले यदि बात करेंगे विभाग क्या रहेगा, तो विभाग रहेगा दोस्तों आपका भारतीय रेलवे, यानी इंडियन रेलवे में दोस्तों ऑफिस वाला काम आपका रहेगा, जिसको बोलते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इस पे कौन कौन सा सीट रहेगा हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए, तो पोस्ट आपका 19,599 टोटल आपका सीट है। ठीक है, हालांकि यह भी हो सकता है कि इससे ज्यादा भी सीट बढ़ के आपका निकले। एज की बात करेंगे, देखिए एज कितना होगा, तो एज कम से कम 18, अधिक से अधिक 30 साल, ये हम बात आपको बता रहे हैं 12th वाला वैकेंसी के लिए। और 18 से 33 साल दोस्तों मांगेगा जो जो ग्रेजुएशन वाला वैकेंसी होगा। ठीक है, 12th वाला वैकेंसी को बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट, और जो ग्रेजुएशन वाला वैकेंसी है इसको बोलते हैं ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में आपका जिम्मेदारी ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, लेकिन 12th वाला वैकेंसी दोस्तों इस पे कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, इस पे कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो इंटर वाला भी फॉर्म भरेगा। जो जो 12th पास है वो तो भरेगा ही भरेगा, और ये ग्रेजुएशन वाला जो है दोस्तों, ये अपना तो भरेगा ही भरेगा, साथ ही इसको भी भरेगा, क्योंकि सब ग्रेजुएशन वाला 12th पास तो रहेगा ही रहेगा। तो काफी बढ़िया दोस्तों यहां पर है, 12th वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और 12th वाले के लिए सीट दोस्तों ग्रेजुएशन की तुलना में कम वैकेंसी रहेगा। ठीक है, बात करेंगे फी, उससे पहले जान लीजिए आपको 3 साल का छूट मिलेगा सभी को, इस पे तीन साल आपको छूट मिलेगा ओबीसी को, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। यहां पर भी 3 साल छूट मिलेगा ओबीसी को, और एससी एसटी को 5 साल को उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है, उम्र में छूट मतलब इसमें आपका एड हो जाएगा। अब बात करेंगे एज आपका कब से काउंट करेगा, तो देखिए दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि आपका एज जो है ना अगस्त से काउंट करेगा। ठीक है, अगस्त 2024 से देखेगा कि आपका उम्र हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ में आ गया, क्योंकि अगस्त के बाद जो भी वैकेंसी आता है पूरे साल भर में, तो एज इसी दिन से काउंट होता है, अगस्त के महीने से। ठीक है, बात करेंगे आपका फी कितना लगेगा, तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए लेती है रेलवे, जो कि बाद में 400 रिफंड भी हो जाता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, बाकी एससी एसटी महिलाओं का 250 रुपए यहां पर लगेगा। अब आप कमेंट कीजिएगा कि सर क्या अलग अलग पेमेंट करना होगा, तो देखिए यदि आप 12th वाला भरेंगे तो आपको अलग पेमेंट करना पड़ेगा, और यदि आप ग्रेजुएशन वाला भरेंगे तो आपको अलग पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दो ठो वैकेंसी है, एक तो अंडर ग्रेजुएट और दूसरा होगा ग्रेजुएट लेवल, समझ में आ गया, तो अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे दोस्तों, योग्यता मैंने आपको पहले बता दिया ना कि 12th पास और ग्रेजुएशन पास, चयन प्रक्रिया देख लीजिए, आप इसमें अप्लाई कीजिए या फिर इसमें अप्लाई कीजिए, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको CBT 1 देना होगा, CBT 1 एग्जाम, इसके बाद आपका CBT 2 होगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, जिसको बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर का जांच होगा, मतलब सब पोस्ट में नहीं होगा, कुछ कुछ पोस्ट में होगा। यदि आपको डर लगता है कि हम टाइपिंग नहीं देंगे, मुझसे नहीं होगा, तो आप बिना टाइपिंग वाला पोस्ट भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका डीवी करके और एक सिंपल मेडिकल करके ज्वाइनिंग करवाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल यदि बोले तो सिर्फ आपको 2 ठो एग्जाम देना है, और दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछेगा। ऐसा नहीं है कि CBT 1 में कुछ सब्जेक्ट था, CBT 2 में सब्जेक्ट बढ़ा दिया, ऐसा नहीं रहेगा, सब्जेक्ट उतना ही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछेगा। देखिए यदि बात करेंगे सिलेबस का, तो देखिए दोस्तों यदि CBT 1 की सिलेबस देखेंगे और इधर CBT 2 की सिलेबस देखेंगे, CBT 2 ही मेन है, CBT 1 क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, CBT 1 में दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, और CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछेगा।
समझ में आ गया? अंतर देखिएगा दोनों में क्या है, 100 क्वेश्चन यहां पर 120 क्वेश्चन, यहां पर कितना हो गया 100 मार्क्स हो गया और यहां कितना मार्क्स हो गया 120 मार्क्स हो गया। क्लियर है? टाइम देख लीजिए, टाइम इस पे भी आपको 90 मिनट दे रहा है और इस पे भी आपको टाइम 90 मिनट ही दे रहा है, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा, क्वेश्चन बढ़ा दिया लेकिन टाइम आपको उतना ही दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव की बात करेंगे तो 1/3 का नेगेटिव यहां भी है और यहां भी नेगेटिव की बात करेंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां भी रहेगा, तो दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। दोनों में क्या पूछेगा, दोनों में पूछेगा रीजनिंग, यहां रहेगा मैथ और रहेगा जीके। देखिए यहां भी रहेगा रीजनिंग, यहां रहेगा मैथ और यहां रहेगा जीके और करंट अफेयर्स यहां भी वही रहेगा। रीजनिंग से इसमें पूछेगा 30 क्वेश्चन तो इसमें पूछेगा 35 क्वेश्चन। देखिए CBT 2 में इस पे पूछेगा 30 क्वेश्चन मैथ से पूछेगा, यहां पर 35 क्वेश्चन मैथ से पूछेगा। जीके में यहां पूछेगा 40 क्वेश्चन, यहां पर पूछेगा 50 क्वेश्चन। देख लीजिए तो सिलेबस दोनों का सेम है, बस 5-10 क्वेश्चन ज्यादा कर दिया है। इसका मतलब आपका स्पीड का टेस्ट देख रहा है कि आप कम समय में उतना क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, यही तो CBT 2 है। समझ में आ गया? तो CBT 1 और CBT 2 के लिए ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ बड़ा नहीं पढ़ना है, एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि आप CBT 2 का ही तैयारी कर रहे हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ अंतर है तो समय का अंतर है, क्वेश्चन का लेवल लगभग वही रहता है। क्लियर है? अब बात करेंगे सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका इंटर लेवल में सिलेक्शन होता है तो आपको इन हैंड सैलरी लगभग 35,000 के आसपास आपको शुरुआती वेतन मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी इस पर कम रहेगा। और यदि ग्रेजुएशन वाला की बात करेंगे तो इस पर लगभग 50,000 या 45,000 का सैलरी आपका आपको दिया जाएगा। पोस्ट पोस्ट पर डिपेंड करता है कि किस पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखिए ये है ग्रेजुएशन लेवल वाला और ये है 12th लेवल वाला। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल वाला में काम का मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और ये तो क्लरिकल काम करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर एक तरह का बोल सकते हैं, और इसमें आपका रहेगा जैसे स्टेशन मास्टर है, पूरे स्टेशन की जिम्मेदारी इसके ऊपर रहेगी, कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर आएगी आपको डिसाइड करना है। ठीक है, एक्सप्रेस आ रही है उसी बीच में मालगाड़ी का भी सूचना मिल गया तो आप कैसे पास करवाइएगा ये आप पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? तो ये सारा काम इसका होता है, गुड्स गार्ड का होता है, जो भी गुड्स ट्रेन होती है मालगाड़ी होता है उसका अंतिम बोगी में जो गुड्स गार्ड होते हैं जिसको बोलते हैं गुड्स मैनेजर, अब गुड्स गार्ड नहीं बोला जाता, अब गुड्स गार्ड जो शब्द है उसको हटा दिया है और नया शब्द जोड़ दिया है, अब नया क्या है गुड्स मैनेजर, क्योंकि गार्ड सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल वाला। क्लियर है? बात करेंगे दोस्तों अप्लाई इसका कब से होगा, ध्यान दीजिएगा इसका अप्लाई की बात करेंगे तो देखिए लिखा है कि जुलाई से सितंबर के बीच में ये फॉर्म आना है, तो जुलाई खत्म हो गया, अगस्त खत्म हो गया, अब बचा क्या आपका सितंबर, तो सितंबर के सेकेंड वीक तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब सितंबर में ही अप्लाई होगा, अब आपका समय ज्यादा दिन नहीं है, तो सितंबर इसका अप्लाई डेट है, कभी भी चालू हो सकता है, जैसे ही फॉर्म चालू होगा हम आपको वीडियो बना के जानकारी देंगे। बात करेंगे इसका एग्जाम कब ले पाएगा, तो देखिए दोस्तों अभी तक ALP का एग्जाम नहीं हुआ है, उसका कोई खबर नहीं है, अभी ALP का एग्जाम होना है, अभी देख लीजिए आप टेक्नीशियन का एग्जाम होना है क्योंकि वो सब फॉर्म पहले भराया है तो वो सबका एग्जाम पहले होगा, अभी RPF कांस्टेबल और RPF SI का भी एग्जाम लेना है, तो पहले वो सब एग्जाम लेकर के निपटाएगा तब ना इसका एग्जाम लेगा, तो ये एग्जाम दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि 2025 पहुंचा देगा। ठीक है, जनवरी फरवरी तक जहां तक मुझे लगता है इसका एग्जाम चला जाएगा, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी रेलवे को ALP का एग्जाम कंडक्ट करवाना है और एक बार यदि एग्जाम चालू होता है ना तो लगभग एक महीना तक तो एग्जाम ही चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि 1-2 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा। रेलवे दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इस पे कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम कंडक्ट करने में इसका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी ग्रुप डी का भी वैकेंसी निकल के आ रहा है, ग्रुप डी भी अक्टूबर में निकल जाएगा, तो उसका एग्जाम तो खैर बहुत बाद में होगा, बहुत लास्ट में। समझ में आ गया? तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट NTPC, यदि आप भरना चाहते हैं
तो आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया मौका है, आप तैयारी कर सकते हैं इसका फॉर्म डाल करके। और किसी भी प्रकार का कोई और अपडेट यदि आता है तो हम आपको उसका अपडेट जरूर बताएंगे, वीडियो बना के जानकारी देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।